ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि आप हमारे पीछे पहले तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा आरजेडी गेट पर अभी हम मौजूद हैं और आरजेडी के ठीक सड़क पर उतर कर जो है वो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जो है वो मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। देखिए कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं को द्वारा जो है वो सड़कों पर उतरकर तमाम लोगों को मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और देखिए ये पार्टी कार्यालय है और पार्टी कार्यालय के बाहर ये तस्वीर निकल के आई है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो है वो आरजेडी ने जश्न मनाया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जब राष्ट्र को संबोधन कर रहे थे तो आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु नानक जी की जयंती भी, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को जो इसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा था। कई बार किसानों ने दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर को भी सील किया, कई लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज उनके तीनों कृषि कानूनों को ऐलान कर दिया कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो है वो कह रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी का बयान सामने आया है, राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों के साथ हमेशा से खड़े थे और आज किसानों की जीत हुई है। और आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरकर और मिठाइयां बांट रहे हैं और जिस तरह से तीनों कृषि कानून जो है उसको वापस लिया गया है और कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर ये लगातार काफ़ी उत्साहित थे। और ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई जहाँ तमाम नेताओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा आरजेडी के जो है आज लड्डू और मिठाइयाँ बांटी गई और उसके बाद जो है तमाम लोगों ने अबीर गुलाल उड़ाकर और साथ ही साथ जिस तरीके से कहा जाए तो ढोलक नगाड़े भी बजाए गए। पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल नज़र आया और देखिए आरजेडी की महिला नेत्री भी यहाँ पहुँची है, बात करेंगे उनसे क्या कुछ है आज, किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जश्न मनाने आए हैं और बहुत खुशी की बात है कि किसी कानून मोदी जी वापस लिए, प्लस बहुत दुख की बात है कि 600 किसान के मरने के बाद वापस लिए। काश ये पहले लिए होते मोदी जी तो बहुत अच्छी बात होती। ये कहा जा रहा है कि किसान जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद जो है अब देखिए फिर से एक बार सड़कों पर इस तरीके की तस्वीर आएगी। लेकिन कहा जा रहा था कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर सवाल जो खड़े हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिए, उसके बाद अब तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है।